क्लास 11th मैथ्स, जिसमें हमने चैप्टर 1 स्टार्ट कर दिया है, जिसमें हम सेट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, और आज हम करने वाले हैं हमारी एक्सरसाइज 1.6। इस एक्सरसाइज में हम यूनियन एंड इंटरसेक्शंस रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे हैं, ओके? तो स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन 1 में हमें क्या गिवन है, देखते हैं। देयर आर टू सेट्स एक्स एंड वाई। इन दो सेट्स के हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिवन हैं क्वेश्चन में, एन एक्स, दैट मींस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एक्स कितने हैं, 17। सेकेंड थिंग हमें गिवन है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वाई। इस सेट में हमारे पास 23 एलिमेंट्स हैं, ओके? आगे देखते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स यूनियन वाई, दिस इज इक्वल टू 38। व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स इंटरसेक्शन वाई। सो वी हैव टू फाइंड आउट दिस। इन आवर लास्ट लेक्चर हमने ये किया था डिस्कस कि हम एक रिलेशन हमने फाइंड आउट किया था इन सभी टर्म्स के बीच में, जो ये हमें दिखाई दे रही है, एन एक्स एन वाई, एन ऑफ एक्स यूनियन वाई एंड एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो जो रिलेशन था वो क्या था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वाई माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स इंटरसेक्शन वाई। सो हम यही फॉर्मूला इस क्वेश्चन में भी यूज़ करने वाले हैं, और इस फॉर्मूला से डायरेक्टली हमारे पास जो हमें फाइंड आउट करना है ये हमारे पास निकल जाएगा, हम निकाल सकते हैं, राइट? तो वैल्यूज पुट करके देखते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स यूनियन वाई कितना है, 38, राइट? उसके बाद नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स कितना है, 17 प्लस 23 माइनस, लेट अस टेक इट एक्स, मैंने इसको क्या ले लिया, एक्स ले लिया, एक्स मैंने मान लिया। अब मैं एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करूँगी, राइट? तो यहाँ पर लिख देते हैं एक्स, दिस इज स्मॉल एक्स। आप ये स्मॉल एक्स और कैपिटल एक्स में कन्फ्यूज ना हो, कैपिटल एक्स मीन्स सेट और स्मॉल एक्स यहाँ पर मैंने वैल्यू ली है, राइट? 38 इज इक्वल टू 17 प्लस 23 इज 40, राइट? माइनस एक्स, एक्स को इस तरफ ले आएंगे, इक्वल टू क्या, सो दिस इज एक्स इज इक्वल टू 40 माइनस 38। यहाँ से हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 2। और एक्स हमारा क्या था, एक्स था हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, दिस इज इक्वल टू 2। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमने क्या देखा, हमें तीन चीज़ें गिवन थी, दैट इज एन एक्स एन वाई एंड एन एक्स इंटरसेक्शन यूनियन वाई, और हमें फाइंड आउट करना था एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। हमने क्या किया, हमने ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया जो हम लास्ट टाइम कर चुके हैं, हमने ये देखा था कि ये कैसे ये फॉर्मूला आया हमारे पास, राइट? तो ये हमने यूज़ किया और हमने सारी वैल्यूज़ को पुट किया, और उसके बाद हमने क्या निकाल लिया, हमने वैल्यू निकाल ली एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई की। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1।